नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। अब एक और ऐसी ही खबर हाल ही में वायरल हुई है और वो है ट्रंप का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना के फैलाव का कारण मास्क को बताया है। ट्रंप ने कहा कि CDC यानी कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने पाया है कि मास्क पहनने वाले सभी लोगों में से 85% में कोरोना संक्रमण मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों का हवाला देते हुए दो दिन में कई बार इस तरह के आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण के फैलने का दावा किया है। अब सवाल यही कि क्या अमेरिका में 85% मास्क पहनने वाले लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो ट्रंप का दावा पूरी तरह से गलत निकला। सितंबर में जारी एक अध्ययन में CDC ने मास्क पहनने वाले 85% लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित होने की बात नहीं कही है। CDC को वास्तव में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो लोग मास्क पहनते हैं उनमें से कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसलिए किसी आंकड़े पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके उलट CDC की रिपोर्ट में उन 154 लोगों के व्यवहार को देखा गया जिन्होंने जुलाई महीने में देश भर में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। इसके अलावा उन 160 लोगों की भी जानकारी दी गई जिनकी जुलाई में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अध्ययन में पाया गया कि उन 154 लोगों में से 85% ने कहा है कि उन्होंने अपनी बीमारी की शुरुआत से 14 दिन पहले या तो हमेशा मास्क पहना था। बता दें कि ट्रंप ने दावा किया है कि उनका 85% का आंकड़ा यहीं से आता है। अध्ययन में 160 लोगों में से जिन्होंने नकारात्मक परीक्षण किया था, हालांकि 88.7% ने कहा है कि उन्होंने हमेशा या अक्सर मास्क पहना था। तो इस अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि जो मास्क पहनते हैं या नहीं पहनते हैं उनमें कोरोना संक्रमण का कोई निश्चित आंकड़ा है ही नहीं। फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।